हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो उन सारों को क्वेश्चन जो भी हैं जितने भी हैं सबको डिस्कस करेंगे। तो बाकायदा में यहाँ प्रश्न आएगा, प्रश्न के साथ फोटो आएगा, फोटो के साथ ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में से आंसर देना, आंसर के बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या एक्चुअल में रैपिड टोला हुआ था। तो बाकायदा फुर्ती से कहाना अपने को, यहाँ जगाना दौड़ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दिए बाकायदा आपको, 1, 2, 3, 4। तो किससे लॉन्च किया था, अगर दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, तैयारी सही साठ है, अगर नहीं आ रहा है तो बेटा कहीं ना कहीं कमजोर है अपनी स्थिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भैया इसके बारे में कुछ बता दो, बिल्कुल बता देते हैं ना, ये लो इसके बारे में और सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, इसके बारे में लिखा, हाँ चंद्रयान 3, जी हाँ, हाँ चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे, लगभग 2:35 बजे हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो एक तो क्या चीज़ याद रखनी है, एक तो ये याद रखना, मैं डब्बे मार देता हूँ बाकायदा फुर्ती से, तो 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, जिसके बाद में हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र याद रखना है, से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, ठीक है। हालांकि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये नाम के आगे 3 लिखा है, तो तीसरा चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है, क्लियर। जिसके बाद में आता है यहाँ पर ये वाला पॉइंट, चंद्रयान 3 ने 2023 से 24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विक्रम लैंडर, ठीक है, ये नाम याद रखना, विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की, ठीक है। तो कब की, ये डेट अगर नहीं भी याद रखोगे चलेगा, लेकिन क्या याद रखना है, तो विक्रम लैंडर का नाम है भैया, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आगे इसका एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर उसका आंसर दे दोगे तो इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं फटाफट फुर्ती से। ये रहा आपकी स्क्रीन पर भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चंद्रयान 3 के लॉन्च में कौन सी लॉन्च वाहन का उपयोग किया गया है। तो लॉन्च के लिए जो वाहन का यूज किया गया वो कौन सा किया गया है, तो यहाँ पे हमारे पीपीटी वाले भाई साहब ने उत्तर भी लिख दिया साथ में, मैं तो की गजब ही करे यार, ठीक है। तो ये इसका आंसर है GSLV भैया, इसके बारे में और डिटेल लिखी हुई है, मैं बताता हूँ। चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए GSLV जियो सिक्रंस सेटेलाइट लॉन्च वाहन का उपयोग किया गया है, ठीक है, ये जो है जियो सिक्रंस, इसके बारे में रुक जाओ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, इसके बारे में और डिटेल लिखी है अपन ने, आगे ये लिखी, देखो यहाँ पर आना, इधर देखना जरा, GSLV MK3, ये इसका पूरा नाम है MK3, देखा जाए तो जियो सिक्रंस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 GSLV MK3, ये जो एक तरीके से देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो GSLV आपका पूरा जो हो गया ये MK3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक उच्च प्रणोद क्षमता वाला यान है, ठीक है भैया। यहाँ एक तीन चरणी वाहन है जिसे संचार उपग्रह के भूस्थिर कक्षा में लॉन्च करने हेतु डिजाइन किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह GSLV किसके लिए लाया गया था, तो भूस्थिर कक्षा में लॉन्च करने हेतु डिजाइन किया गया था, ये भी आप बोल सकते हैं, मतलब ये याद रखना, अपने को बेसिक याद रखना है, बाकी अपने इसका नाम याद रखा है GSLV MK3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ फटाफट फुर्ती से, और इसका आंसर देना है पूरी फुर्ती के साथ अगर तुमने पढ़ा है तो क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा भैया, ये कहना चाह रहा है चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर कि मिशन जीवन मतलब उसका टाइम जीवन कितने बराबर है, किसके बराबर है, मतलब देखा जाए तो भैया यहाँ पे आता है 24 पृथ्वी दिन, मतलब पृथ्वी के 24 दिन के बराबर, 16 दिन के बराबर, 14 दिन के बराबर या 20। तो यहाँ पे ये इनकी बात चल रही है, ठीक है, ये लैंडर विक्रम है अपना, ये रोवर है, इसका नाम भी आएगा बता दूंगा अभी, आगे वाला क्वेश्चन सही कर दोगे तो ये इसका आंसर दो भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 पृथ्वी दिन। कैसे भैया हमको एक्सप्लेन कर दो, बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हैं, अरे भैया चल जाना, क्या हो गया यार। तो इधर आओ, आ गया, देखो यहाँ पे फटाफट फुर्ती से देखने की कोशिश करना क्या कहना चाह रहा है ये, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस मतलब कितना, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है, क्लियर। आगे बात समझ में, दूसरे पे आओ, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम, ठीक है, मैं रोवर का नाम जब से क्यों नहीं बता रहा था, क्योंकि यहाँ आएगा देखना, और रोवर का नाम प्रज्ञान है, ठीक है, ये प्रज्ञान यहाँ पे भी गलत बता दे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन शायद उसी का, मुझे जहाँ तक पता है। चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, अनुवर्ती मिशन भैया मतलब उसको फॉलोअप करने वाला, मतलब जैसे लक्षण चंद्रयान 2 के थे वैसे ही 3 के है, बाप और इधर बेटा, यही समझ सकते हो, ठीक है, क्लियर, शांति। जिसके बाद में भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और इसका आंसर दे देना बाकायदा चुपचाप शांति से, ठीक है, क्यों दे देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर का क्या नाम है, अगर ये तो नहीं दे पाऊंगी तो भगवान की कसम, कोई मतलब नहीं जीवन का। तो लैंडर का नाम क्या भैया, यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट, क्योंकि 3 बार तो मैं बता चुका हूँ विक्रम, और आई होप कि आपको पहले से भी पता है लैंडर की अगर शक्ल देखनी है आपको भैया होता कैसा लैंडर, तो ये है, इसी का नाम क्या है, विक्रम है, क्लियर, ठीक है। विक्रम जैसे तलवार रखता है वैसे तलवार है, 4-5 के इसके पास, एक तरीके से देखा जाए तो विक्रम। तो इसरो के चेयरमैन के अनुसार लैंडर का नाम विक्रम होगा और रोवर का नाम प्रज्ञान होगा, ठीक है।
जो कि संस्कृत में ज्ञान का अर्थ है। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इनके जो अर्थ है ना, उन अर्थों के भी थोड़े से मतभेद हैं, नेट पे अलग अलग दिखाए गए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये याद रखना है भैया, जो लैंडर है ये क्या हो जाएगा, अपना विक्रम हो जाएगा, और प्रज्ञान का नाम, रोवर का नाम क्या हो जाएगा, प्रज्ञान हो जाएगा। तो ये अपना जो है ना, ये प्रज्ञान है, ठीक है, और ये कि ये लैंडर है, ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों को याद रखना अपने को। क्लियर, शांति, संतुष्टि, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट फुर्ती से जाओ, कहाँ की जगह, यहाँ की जगह, पर उसके पहले उसकी और डिटेल है, तो ये भी पढ़ ही लो, कोई बात नहीं। चेयरमैन के अनुसार चंद्रयान लैंडर का नाम विक्रम और लैंडर का नाम ये होगा, ये वही सेम जानकारी, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, एग्जाम में ये डेट आएगी और आएगी, और मुंह के बल गिरेंगे अगर नहीं याद होगी तो, और कन्फ्यूजन यहाँ तो, और भी मैंने सही ऑप्शन दे दिए यहाँ पे, पता है एग्जाम में कैसे ऑप्शन आएंगे, 14 अगस्त, 14 जुलाई, 14 जून, 14 सितंबर, फिर क्या कर लोगे, तो वो चीज़ें। तो यहाँ पे अपने को क्या बताना है अभी, कब हुआ भैया, तो अगर याद आ रहा तो ठीक, नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूँ, इतना बड़ा आदमी किस दिन काम आऊंगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, और आंसर के साथ साथ अब तुमको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ मैं, इसकी डिटेल देखो, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन का लॉन्चिंग तिथि 14 जुलाई 2023 है। क्या अलग करा इसमें, ये तो लिखते ही नहीं इससे अच्छा तो भैया, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आओ फटाफट फुर्ती से, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पे मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ, मैं मेरे ज्ञान का प्रदर्शन थोड़ा नहीं कर रहा हूँ भैया, तुमको कितना याद है वो चीज़ें बताना, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देंगे अलग से भैया, ये कर सकते हैं। इधर आओ, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडिंग के साथ अन्य राष्ट्रों के चंद्रमा मिशनों के, दूसरे राष्ट्रों के साथ तुलना में क्या विशेष या विशेषता है, विशेष और विशेषता क्या है ये बताओ। मतलब अपना यहाँ का चंद्रयान 3 और दूसरे जो जैसे चीन, अमेरिका इनके थे, इनमें अपने में अलग क्या है, तो अलग कौन सा पॉइंट है ये मुझे बताना है। यहाँ पे आओ, चंद्रमा के अंधेरे दिन पर लैंडिंग, चंद्रमा के दूर किनारों पर लैंडिंग करेगा, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा, या चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाकायदा आंसर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, आंसर क्या है इसका, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो गई, तो यहाँ पे आ जाओ फटाफट फुर्ती से इसके बारे में और दो चार लाइन और पढ़ लो। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग, चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जो अन्य राष्ट्रों के चंद्रमा मिशन से तुलना में एक विशेष विशेषता है, ठीक है, बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं कही सकता। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसरो टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क, ISTRAC, मतलब स्ट्रेक कह सकते हैं मेरी भाषा में, तो कहाँ स्थित है, तो भैया कहाँ स्थित है इसका आंसर बकायदा मैं देखो, PPT वाले कितने वैज्ञानिक व्यक्ति हैं, मतलब इनको रॉकेट उड़ाने को दे देती, ये पता नहीं कहे देश ही उड़ा दे, उल्टी मिसाइल चला दे, क्योंकि उत्तर भी यही लिख दे, तुम क्या करोगे फिर, मुजरा करोगे क्या भैया। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर। तो इसरो टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क जो कि बेंगलोर में स्थित है, ठीक है, शांति शांति, बस गर्मी हो रही ना, क्योंकि पंखा अंखा बंद करके रखा है, वीडियो में आवाज़ आएगी दुनिया भर की इस चक्कर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ जाता है भैया, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने के पहले उसकी जानकारी दिखी हुई है, तो ये जानकारी आपको वैसे PPT मिल जाएगी, एक जानकारी मैं आपको दे दूँ, ये PPT कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप उसके बारे में पढ़ लेते पहले। इसरो टेलीमेट्रिक टेक्निक एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु कर्नाटक भारत में स्थित है, बेंगलुरु कहाँ, कर्नाटक में, ये बात अच्छे से याद रख लेना, ये तो पता ही होगा, का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसका काम क्या है ये बताता हूँ, इस ट्रैक का काम क्या है, इसरो के सभी उपग्रह और लॉन्च वाहन मिशनों के लिए ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने के लिए, ट्रैकिंग मतलब कौन कहाँ पे क्या कर रहा है ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ केंद्र दुनिया भर में फैले इसरो के छोटे केंद्रों, नासा, यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और कई अन्य देशों के राडार सिस्टम में अपने उपग्रह और अंतरिक्ष यान की नज़र रखता है, मतलब अपन ने जितने लॉन्च किए हैं वो कहाँ जा रहा है, दूसरे उसके कैटेगरी में तो नहीं चला गया, कहाँ जा रहा है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करने वाला काम, यार सीधी बात है, ठीक है। ये अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने चंद्रयान मिशन का या अपने इसरो का क्या है भैया, ये हैकर, ठीक है, ये वो है। क्लियर, शानदार, बहुत शानदार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चंद्रयान मिशन की कुल लागत क्या है, एकदम हैंग हो जाता हूँ, क्या है, तो भैया 600 करोड़, 540 करोड़, 80 करोड़ या 1200 करोड़, क्या है इसकी कुल लागत, लागत मतलब एग्जैक्ट लगभग में होता है लागत, तो क्या है भैया यहाँ पे, देखो आंसर तो सारे वहीं स्क्रीन पे लिख दे, मैं तो पहले आंसर लिख देता, ऑप्शन बाद में लिख देता ना भैया, क्या मतलब निकला। तो 600 करोड़ चंद्रयान 3 मिशन की लागत, चंद्रयान 2 से 600 करोड़ कम है, चंद्रयान 2 से 600 करोड़ कम है, कैसे भैया, कंपेरिजन करवा देते मैं तुमको बता देता हूँ। देखो आओ इधर, यहाँ पे चंद्रयान 2 है, यहाँ पे चंद्रयान 3 है, PPT के अंदर और शांति से देख लेना भैया तुम, कुल बजट 615 करोड़ और यहाँ पे कुल बजट 978 करोड़ रुपये है, ठीक है, लगभग का इतना अंतर आता है इनकी दोनों की क्वालिटी। और मैं फिर बोल रहा हूँ, चंद्रयान 3 अगर पढ़ के जाओ तो उसके बारे में, 2 के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ के ही जाना, क्या है, एक क्वेश्चन और है ऐसा आएगा अभी अपने इसमें, कि चंद्रयान 2 में ऐसी एक कौन सी ऐसी एक चीज़ की कमी थी जो चंद्रयान 3 में, तो ये अभी अगर दिमाग में आ रहा तो सोच के रख लो, नहीं आ रहा है तो आगे आएगा अपना क्वेश्चन, टेंशन मत लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, एक और चंद्रयान 3 में है और चंद्रयान 2 में नहीं, क्या एक चीज़ है, हाँ 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 देखो क्या
क्या ऐसी कौन सी चीजें जो टू में नहीं थी और थ्री में है, तो क्या है? उत्तर भी लिख दिया कहीं है तरीके, एक दो तीन चार, चार ऑप्शन है भैया, कोई बात नहीं, अत्यंत दुख के साथ सूचित करने में आता उत्तर ही लिखा, अगली बार से गलती नहीं होगी, अभी एडजस्ट कर लो एक बार का तो यार भैया, यार तुम तो सोचो कि बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, वेलोसीमीटर कैसे कैसे नाम रखते, एलडीवी। और मैं एक चीज़ और बता दूं, एलडीवी का पूरा नाम भी याद रख लेना अगर एग्जाम निकालनी हो तो, क्योंकि वहाँ पूछिए एलडीवी का पूरा नाम तो फिर मुंह फाड़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चंद्रयान थ्री के लैंडर में केवल चार थ्रोटर एबल इंजन होंगे, जिसमें एक लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर एलडीवी से लेस होगा। ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट क्लियर है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर बोले कि दो में नहीं था और तीन में है, तो तीन में क्या है? ये है तीन में एलडीवी, और एलडीवी का पूरा फुल फॉर्म ये है अपना, लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर, ठीक है, क्लियर, शानदार। अब आओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे क्या कह देंगे अपन, नेक्स्ट में और उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, ये डिटेल वही सेम टू सेम है, आप उसमें पढ़ सकते हो। क्या बोलते हैं इसको, पीपीटी, पीपीटी कहाँ मिलेगी? इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे यहाँ भैया खुद का फोटो क्यों लगा दे, चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए। अरे ये फोटो इसलिए लगाया कि वहाँ छूट पड़ जाएगी, टेलीग्राम दूसरे ग्रुप में नहीं पहुँच गए, तो इस पर यहाँ पे तुमको क्या पीपीटी मिल जाएगी और इधर टेलीग्राम का फोटो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना झेल लिया इसके लिए।